हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन कितनी ही कोशिशें करने के बाद भी वह पैसा जमा कर पाने में खुद को असमर्थ पाता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं, जिससे आप केवल थोड़े सी बचत करके करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि इस स्कीम का नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP या SIP है। यदि आपकी उम्र 20 साल है तो हर दिन 30 रुपए बचाकर आप 60 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। हर दिन 30 रुपए जमा करने का मतलब है कि एक महीने में 900 रुपए। इन पैसों को हर महीने आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में करें, यानी 40 साल तक हर महीने केवल 900 रुपए इन्वेस्ट कर आप करोड़पति बन सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, आप 40 साल तक रोज 30 रुपए बचाते हैं। अब इस बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से आपको म्यूचुअल फंड से औसत हर महीने 12.5% की दर से रिटर्न मिलता है, यानी 40 साल बाद आप करोड़पति बन जाते हैं। 20 साल की उम्र पार कर जाने का मतलब यह नहीं है कि अब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 30 साल के हैं तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 30 रुपए के बजाय रोज 95 रुपए जमा करने होंगे। अगर आपको 40 साल का समय बहुत अधिक लग रहा है तो इससे कम समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। ऐसे में आपको 12% तक का औसत रिटर्न मिल सकता है 35 साल के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड रीइन्वेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न रेट आपको 15% मिल जाएगा। डिविडेंड रीइन्वेस्ट में इन्वेस्ट करने पर जो भी डिविडेंड लाभांश मिलता है उसे आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्ट किए जाने वाले अमाउंट में बढ़ोतरी होती है और रिटर्न में भी। हालांकि 2.6% तक डिविडेंड हर साल मिल सकता है, यह पूरी तरह है म्यूचुअल फंड के टाइप और स्टॉक पर निर्भर करता है जो म्यूचुअल फंड होल्ड करता है। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के बजाय आप चाहें तो छोटे या मिड कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 25 सेकंड 30 साल से भी कम होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी। आप हर महीने 5,500 की RD करके भी करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको पहले बैंक में एक RD अकाउंट खुलवाना पड़ता है और इस अकाउंट में आपको हर महीने 5,500 रुपए जमा करने होते हैं। अब अगर आपको हर साल बैंक से 9% के हिसाब से ब्याज मिलता है तो भी आप सिर्फ 30 साल में करोड़पति बन सकते हैं। और अगर आप भी जल्दी से करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो इस प्रकार है। 25 साल के लिए 9,000 रुपए, 20 साल के लिए 15,000 रुपए, 15 साल के लिए 26,400 रुपए, 10 साल के लिए 51,500 रुपए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।